नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल फूडी है, मैं आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडे की भुजी। इसके लिए मैंने ये 3 अंडे लिए हैं और ये 2 बड़े बड़े प्याज काट लिए हैं मैंने, और ये 2 हरी मिर्च काट ली, कम तीखी वाली हरी मिर्च है। 4 लहसुन की कलियाँ मैंने काट के रख ली हैं, और ये लिया है मैंने हरा धनिया, ये भी कट कर लिया है धो के अच्छी तरह से। 1 टमाटर लिया है, इसे मोटे पीसों में मैंने काट लिया है, और ये लिए मैंने कुटी हुई लाल मिर्च। मिर्च और नमक मैं स्वाद के अनुसार डालूंगी। और ये मैंने लिए अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, इसी में मैंने हल्की सी हल्दी गिर ली है। दोस्तों अब मैं भुजिया बनाना अंडे की चालू करती हूँ, गैस को कर लेती हूँ चालू, और इस पे रखूँगी फ्राई दाल भुजिया बनाने के लिए। इसमें मैं डालूँगी 3-4 चम्मच रिफाइंड, आप कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों का या रिफाइंड या देसी घी या मक्खन कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं रिफाइंड इस्तेमाल कर रही हूँ भुजिया बनाने के लिए। दोस्तों रिफाइंड मेरा गर्म हो चुका है, इसमें पहले मैं डालूंगी प्याज। प्याज अच्छी तरह से मैं तल लूंगी, थोड़ा सा प्याज मेरा तल जाएगा, उसके बाद बाकी मसाले डालूंगी। दोस्तों इस तरह से आप अंडे की भुजिया बनाते रहिए, बहुत ही टेस्टी बहुत बढ़िया बनती है और बनाना भी बहुत आसान है। अब इसमें डाल दूंगी मैं कटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैं भून लूंगी। दोस्तों इनका प्याज का इसका कच्चापन दूर हो जाए, उसके बाद मैं डालूंगी इसमें मसाले। दोस्तों प्याज मेरा हल्का गोल्डन ब्राउन सा हो गया है, अब इसमें मैं डाल दूंगी कटे हुए टमाटर जो मैंने अच्छी तरह से धो के काट के रख लिए हैं। गैस को थोड़ा कम कर दूंगी। अब इसके साथ डालूंगी नमक स्वाद अनुसार। अब इसमें डाल दूंगी लहसुन अदरक का जो मैंने पेस्ट बना के रखा था, इसे भी इसके साथ अच्छी तरह से भून लूंगी। इसके साथ ही मैं डाल दूंगी कितनी लाल मिर्च, ये मैंने आधी चम्मच के करीब लाल मिर्च लिए, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं लाल मिर्च की, जैसा कि आप पसंद करते हैं। सभी मसालों को मैं अच्छी तरह से मिनट के लिए भून लूँगी। दोस्तों मसाला मेरा अच्छी तरह से भून गया, आप देख सकते हैं। इसी तरह से मसाला रखना है खड़ा खड़ा सा, ज़्यादा नहीं हमें गलाना। अब इसमें मैं डालूंगी अंडे जो मैंने रखे हुए हैं। इन अंडों को मैंने इसमें तोड़ के डाल दिया है। अब करछी की सहायता से अच्छी तरह से मैं इसे मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। दोस्तों ये अंडे की भुजिया इतनी टेस्टी बनती है, इस तरीके से आप अंडे की भुजिया बना के देखें और बहुत ही आसान तरीके से बन के तैयार हो जाती है और बनाने में भी टाइम नहीं लगता। दोस्तों अंडे की भुजिया मेरी बन गई है, आप देख सकते हैं इसने ऑयल को छोड़ दिया है, आप नजर आ रहा होगा ऑयल छूटा हुआ। भुजिया मेरी बनके तैयार हो गई, अब इसमें मैं डाल देती हूँ हरे धनिया की पत्ती जो मैंने अच्छी तरह से धो के और बारीक काट के रख ली है। धनिया को भी मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ।
गैस को मैं बंद कर देती हूँ और आपको एक प्लेट पे डाल के दिखाती हूँ। भुजिया मेरी तैयार हो गई बनके, बहुत ही टेस्टी है, बढ़िया बनी है, बहुत अच्छी इसमें खुशबू आ रही है दोस्तों, और बहुत जल्दी से बनके तैयार हो गई है। 5 मिनट में मेरी जो है अंडे की भुजिया बनके तैयार हो गई है। देखने में जितनी टेस्टी है उतनी खाने में भी बहुत बढ़िया है। इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अगर हम अंडे की भुजिया बनके तैयार हो गई और बहुत जल्दी बनके तैयार हुई है और बहुत ही टेस्टी बनी है। एक बार आप इस रेसिपी को बना के देखें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।